नमस्कार जयंत, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करती हूँ फिर से एक बार क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के रूप चैनल पर। हम आपको बताने वाले हैं इस मैच में सब कमेंट्स प्रेडिक्शन के प्लेयर सब के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बात करते हैं ओडीआई 3 न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बारे में। तो पहले दोनों ओडीआई मैच में न्यूजीलैंड ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए बांग्लादेश को हरा दिया और 3 मैच की सीरीज जीत ली। लास्ट गेम में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 291 रन बनाए, जवाब में न्यूजीलैंड ने महज 3 विकेट खोकर आसानी से टारगेट चेस कर लिया। अब बात करते हैं सीरीज के थर्ड ओडीआई मैच की, जो 23 दिसंबर को नेपियर के मैक्लेलैंड स्मार्ट पार्क में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे से होगा। न्यूजीलैंड सीरीज को भी स्वीप करना चाहेगी और वहीं बांग्लादेश कम से कम 1 मैच जीतकर एंड करना चाहेगी। बात करें वेदर रिपोर्ट की तो वेदर ओवरकास्ट कंडीशन रहेगा, ह्यूमिडिटी 59% और टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बात करते हैं पिच रिपोर्ट की तो विनिंग परसेंटेज बात करें तो बैट फर्स्ट में 38% है और बॉलिंग फर्स्ट में 62% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज फर्स्ट इनिंग 257 है और एवरेज सेकेंड इनिंग 207। वैल्यू एनालिसिस की बात करें तो हाइस्ट टोटल 373/8 है और लोएस्ट टोटल 156/2। हाइस्ट चेस की बात करें तो 289/3 है और लोएस्ट डिफेंस की बात करें तो 157/10। दोनों टीम की हेड टू हेड की बात करें तो टोटल मैच में 44 खेले गए हैं और जिसमें से न्यूजीलैंड का 33 है और बांग्लादेश का 10। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड स्कोर एनालिसिस की तो टीम के कैप्टन टॉम लथम है और बात अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग की हो तो ओपनर बैट्समैन विलियन टीम के लिए बेहतरीन फॉर्म में है। उन्होंने लास्ट गेम में 89 रन बनाए थे। नंबर 3 पर हेनरी निकोलस लास्ट गेम के हीरो थे, उन्होंने 95 रन बनाए थे और मिडिल ऑर्डर में कैप्टन टॉम विलिंगडन है, रेसिंग किया था उसने। बॉलिंग की बात किया जाए तो टीम मजबूत नजर आ रही है। बॉलिंग में टॉप बॉलर थे जैक हॉक डूफी, जिन्होंने लास्ट गेम में 3 विकेट लिए और डब्ल्यू ऑर्क्वेट ने भी लास्ट गेम में 3 विकेट लिए। स्पिन डिपार्टमेंट में ईश आदित्य अशोक ने डेबिट किया। प्लेइंग 11 की बात करें तो विलियम सचिन रविंद्र हेनरी निकोलस टॉम लथम टॉम ग्लेंडेल मार्क चैपमैन जॉस क्लर्कसन एडम मिलन आदित्य अशोक जॉकोव डूफी विलियम ओवन। बात करें की प्लेयर्स की तो विल यंग इनिंग में 2 रन 194 और एवरेज 97 है। टॉम लथम की इनिंग की बात करें तो इनिंग 2 है और रन 126 है, एवरेज 126 है। जैकब डूफी की बात करें तो इनिंग 2 है, विकेट 4 है और बॉलिंग एवरेज 22 है। अब बात करते हैं बांग्लादेश स्कोर एनालिसिस की तो पहले मैच में टीम ने खराब परफॉर्मेंस दिया। टीम के हीरो रहे ओपनर सौम्या सरकार, जिन्होंने अकेले फाइट करते हुए 169 रन इनिंग खेली लेकिन किसी से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन वो टीम को नहीं जिता पाए। फिर भी मैन ऑफ द मैच भी उन्हें नहीं मिला। एक्सपीरियंस विकेट कीपर मुस्फिकर रहीम ने 45 रन बनाए। ऑलराउंडर महिदीर हसन मिराज टीम के एक्स फैक्टर थे, उनको मैच फिनिश करना होगा और बॉलिंग में टाइगर्स में टीम फ्लॉप थी और टीम बस 3 विकेट ही ले पाई थी, जिसमें हसन मोहम्मद को 2 विकेट मिले। सौरफुल इश्नाम को लास्ट गेम में 1 विकेट मिला था। प्लेइंग 11 की बात करें सौम्या सरकार है, अनुमोल भक्त है, शांतो है, लिटोन दास है, मोहित हैरी रॉय है, मुस्फिकर रहीम है और मोहिदी हसन मिराज है, तंजीम हसन है, रिशद हसैन और हसन महिम मौत और सौरफुल इश्नाम। ये प्लेयर्स की बात करें सौम्या सरकार इनिंग 2 रन 169 और एवरेज 84.5 और रहीम की इनिंग 2 रन 49 एवरेज 24। सॉरी फॉर इस्लाम की बात करें इनिंग 2 विकेट 3 बॉलिंग एवरेज 25। प्रेडिक्शन और प्रेडिक्शन की बात करें तो अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो न्यूजीलैंड बहुत मजबूत नजर आ रही है और बांग्लादेश बस इस समय कमजोर नजर आ रही है। तो दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए मैच का विनर न्यूजीलैंड हो सकता है और क्लीन स्वीप कर सकता है।